हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरी जो वीडियोस हैं वो 10 तारीख से जो है अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इसका रीजन क्या था गाइस, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे कि कुछ लोगों को पता था कि मुझे जो है गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था, तो इस वजह से गाइस मेरी जो 7 दिन तक जो वीडियो अपलोडिंग है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। तो इसीलिए गाइस 10 तारीख से लेके जो दिवाली के ब्लॉग वगैरह थे वो सभी मैंने जो है बहुत ही लेट अपलोड किए थे गाइस। तो यही रीजन था गाइस कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था और इस वजह से गाइस जो है मैं 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो गाइस, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुझे जो कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था वो क्यों मिला था, जिससे कि जो भी नए क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर वो ये गलती ना करें गाइस। तो सबसे पहले रीजन तो यही था गाइस, उसमें गलती वैसे मेरी थी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ गाइस। तो हुआ ये था गाइस कि मेरे पास जो 50 गन थी, जो मैंने एक लॉन्ग वीडियो जिसके ऊपर डाली थी बना के, आप लोगों ने देखी होगी। तो गाइस, जो 50 गन थी वो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी इसकी एक बना के। तो जब मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी गाइस, तो मैंने उस पर जो यूट्यूब का ही सॉन्ग लगा के डाला था। लेकिन वैसे तो गाइस कॉपीराइट आना नहीं चाहिए था, कॉपीराइट स्ट्राइक पर पता नहीं गाइस कैसे आ गया। तो मैंने क्या करा गाइस, जो वीडियो थी मेरी 50 गन वाली वो मैंने बचाई थी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और यूट्यूब का ही गाना लगा के डाला था, ठीक है ना। बस गाइस दिक्कत ये थी कि उस वीडियो में ना तो मैंने कोई वार्निंग दी थी और ना ही डिस्क्रिप्शन में कोई वार्निंग लिखी थी। तो शायद मुझे लग रहा है कि इसी की वजह से गाइस मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था। तो गाइस, अगर आप लोग भी कोई भी वीडियो ऐसी मतलब अपलोड करें जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ी सी मतलब ऐसी है डेंजर टाइप की हो सकती है, तो आप उसमें या तो कुछ अपने थोड़ी सी वार्निंग वगैरह देते हैं कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी आप ट्राई वगैरह ना करें, या फिर करें तो बहुत ही सेफ्टी के साथ करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में गाइस आप जो है वार्निंग वगैरह लिखते हैं तो आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस, इसमें वैसे गलती मेरी थी, मैंने ना तो वीडियो में कोई वार्निंग दी थी और ना ही डिस्क्रिप्शन में कोई वार्निंग लिखी थी, तो इसी वजह से जो है गाइस शायद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था। तो अगर आप लोग भी नए क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, तो वो आगे से कभी भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको भी गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए। तो गाइस, बस आप लोगों को यही बताना था। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।